हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स को डिस्कस किया था। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले मेटालिक मिनरल्स, Those minerals which contain metal part are called metallic minerals। वो खनिज जिनमें धातु पाई जाती है या फिर जो धातु होती है उनको हम metallic खनिज या फिर metallic minerals कहते हैं। Metallic minerals धात्विक खनिज, example iron और copper, cobalt, manganese, gold, silver, etc. आयरन और जिसको हम लोह अयस्क के नाम से जानते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स भी टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट फेरस मिनरल्स, लोह खनिज। दोज मिनरल्स विच कंटेन आयरन आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स। वो मिनरल्स जिनके अंदर आयरन की मात्रा पाई जाती है उनको फेरस मिनरल्स या फिर लोह खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल आयरन ओर, टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमाइट, मैग्नीज एक्सेट्रा। नंबर सेकेंड नॉन फेरस मिनरल्स, अलोह खनिज। दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन आयरन आर कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जिनमें आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है, लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, उनको अलोह खनिज या फिर नॉन फेरस मिनरल्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, टिन एक्सेट्रा। नंबर सेकेंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, अधात्विक खनिज। दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन एनी मेटल पार्ट आर कॉल नॉन मेटालिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स, ऐसे खनिज जिनमें मेटल धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उनको नॉन मेटालिक मिनरल्स अधात्विक खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल मार्बल, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, डोलोमाइट एक्सेट्रा। और मोस्टली ये जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं ये कंस्ट्रक्शन वर्क में हम काम में लेते हैं। नंबर थर्ड एनर्जी मिनरल्स, ऊर्जा खनिज। दोज मिनरल्स विच प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो ताप और ऊर्जा प्रदान करते हैं उनको एनर्जी मिनरल्स कहते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स टू टाइप्स में डिवाइड है। नंबर फर्स्ट फ्यूल मिनरल्स, ईंधन खनिज। फ्यूल मिनरल्स आर यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ फ्यूल। फ्यूल जो मिनरल है वो ईंधन के रूप में काम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोयला इंडस्ट्रीज में काम में आता है, पेट्रोलियम आप जानते ही हैं व्हीकल्स के काम में आता है, और नेचुरल गैस अपन हम घरों में काम में लेते हैं जैसे एलपीजी है, या फिर व्हीकल्स में काम में आती है सीएनजी। ये नेचुरल गैस के अंदर आती हैं। नंबर सेकेंड न्यूक्लियर मिनरल्स, परमाणु खनिज। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम एक्सेट्रा। ये खनिज ताप उत्पन्न करने के काम में आती हैं, जिनसे विद्युत का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है। इस चैप्टर में अगला जो आपका पॉइंट है वो है मेन मिनरल्स ऑफ इंडिया, भारत में पाए जाने वाले मुख्य खनिज। इसमें नंबर फर्स्ट है आयरन और यानी लोह अयस्क। आयरन और कम्स फ्रॉम आग्नेस रॉक्स। जो आयरन और है वो आग्नेस रॉक्स में पाया जाता है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। और जो आग्नेय चट्टान है उनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर आफ्टर रशिया इन द वर्ल्ड।
वर्ल्ड के अंदर भारत लोह अयस्क के उत्पादन में रशिया के बाद दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान रशिया का है, दूसरा स्थान इंडिया का है लोह अयस्क के उत्पादन में। आयरन इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज, जो आयरन है, लोहा है, वो उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। बिना आयरन के हम उद्योगों की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो मशीनरीज हैं उनका निर्माण आयरन से ही होता है। इंडिया हैज 2,300 करोड़ टन्स आयरन डिपॉजिट विच इज 20% ऑफ वर्ल्ड्स अवेलेबिलिटी। भारत के पास 2300 करोड़ टन आयरन डिपॉजिट है, आयरन के भंडार हैं, जो कि वर्ल्ड में 20% है। जो वर्ल्ड में जितना उपलब्ध है उसका 20% इंडिया के अंदर डिपॉजिट है। इट इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज। हमारे देश से जो लोहा एक्सपोर्ट होता है वो मेनली जापान को और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको एक्सपोर्ट यानी निर्यात होता है। इट इज थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम इन फॉरेन ट्रेड, और भारत का ये तीसरा मुख्य निर्यातक वस्तु है। टाइप्स ऑफ आयरन ऑर इन इंडिया, भारत में जो आयरन ऑर पाया जाता है, पांच प्रकार का आयरन ऑर यहाँ पे पाया जाता है। नंबर फर्स्ट मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन होता है। नंबर सेकेंड हेमेटाइट। हमारे देश में मुख्यतया जो आयरन पाया जाता है वो हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन है। इसके अलावा लिमोनाइट, सेडेराइट और लेटराइट टाइप ऑफ आयरन इंडिया में पाए जाते हैं। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ऑर इन इंडिया, भारत में लोह अयस्क का उत्पादन और उसका वितरण यानी कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में आयरन ऑर मेनली पाया जाता है। नंबर फर्स्ट उड़ीसा। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ऑर इन इंडिया। उड़ीसा भारत का पहला फर्स्ट सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है आयरन का। सबसे ज्यादा आयरन का उत्पादन हमारे देश में उड़ीसा में होता है और यहाँ पर कुल आयरन डिपॉजिट का 30% है। हेमेटाइट इज अवेलेबल इन मयूरगंज, क्योंझर एंड सुंदरगढ़, और उड़ीसा में हेमेटाइट टाइप का जो आयरन है मुख्यतया वो मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ में पाया जाता है। नंबर सेकेंड कर्नाटक। कर्नाटक इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कर्नाटक हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा लोह अयस्क का उत्पादक स्टेट है और कर्नाटक के अंदर कुल डिपॉजिट का, कुल भंडार का 25% उपलब्ध है। हेमेटाइट, यहाँ भी मुख्यतः हेमेटाइट टाइप का आयरन पाया जाता है और जो कि बेल्लारी, चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग में पाया जाता है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। छत्तीसगढ़ हमारे देश में आयरन ऑर का तीसरा मुख्य बड़ा उत्पादक स्टेट है और यहाँ पर कुल भंडार का 16% उपलब्ध है हमारे देश का। यहाँ भी मुख्यतः हेमेटाइट टाइप का आयरन पाया जाता है जो कि बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बिलासपुर में पाया जाता है। इसके अलावा एक और फैक्ट है, आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो बेलाडीला माइन है, बेलाडीला खान है लोहे की, वो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। माइन खान कहते हैं जहां से खनिजों को निकाला जाता है, उसको माइन कहते हैं और हिंदी में इसे खान कहते हैं। नंबर फोर्थ गोवा। गोवा इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ऑर इन इंडिया। भारत का चौथा सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक स्टेट गोवा है। यहाँ पर लिमोनाइट, लेटेराइट और सेडेराइट टाइप ऑफ आयरन पाए जाते हैं। तोशिला, कुदम, सुरला और वेलनाडा में। नंबर फिफ्थ
झारखंड, झारखंड इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन इंडिया, भारत का पांचवा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक स्टेट है और यहाँ पर लौह अयस्क सिंह भूमि और पालामू डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतया पाया जाता है। अगली क्लास में हम आगे जो मिनरल्स हैं, बाकी के जो मिनरल्स हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।